हूँ आपका मेंटर संजीव मिन्होत्रा और मैं आपका आपका गुरुकुल चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज जो हम एक लेक्चर लेके आए हैं वो है मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स पे। हमने पिछले लेक्चर में मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, मोल क्या था, ठीक है, और उसके उस मोल को समझने के बाद हमें लगता था कि हमें अब न्यूमेरिकल्स पे एक वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो मोल कंसेप्ट के, अगर मोल कंसेप्ट में मोल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स सॉरी उसमें फार्मूलाज बहुत हैं, पर हम फार्मूलाज पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। आपको सिंपल सी अगर मैंने एक इक्वेशन बताई थी, वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23। अगर यहाँ पे हम एटम्स लेते हैं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एटम्स आ जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास के। अगर ये वाली इक्वेशन आपको समझ है, पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इसका वीडियो आपको मैं आई बटन पे दे दूंगा, आई बटन पे क्लिक करके आप इसका पूरा वीडियो पहले देखिए, फिर आपके लिए न्यूमेरिकल्स निकालने बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, क्लियर। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, मास इन ग्राम और अपॉन मोलर मास, ये होता है मास अपॉन मोलर मास। पर ये चीज़ ठीक है, फॉर्मूला आपके लिए लर्न करना अच्छी बात है, पर अगर हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट को क्लियर है तो आप नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ें आसानी से निकाल सकते हो। चलो एक नंबर ऑफ मोल्स की एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मोल्स बताइए 18 ग्राम, ठीक है। तो अगर फार्मूला लगाए तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या लगाएगा, कि मास कितना है, मास इन ग्राम्स कितना है, 18। इसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है वाटर का, आपको पता है। अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता तो आप आई बटन पर क्लिक करके मॉलिक्यूलर मास वाली वीडियो देख सकते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं, वाटर का हाइड्रोजन का कितना है 1, कितने हैं 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना हो गया टोटल 18। ये मोलर मास कितना आ गया हमारा 18। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1 मोल, ये आंसर आया। पर अगर हम फार्मूला ना लगाएं तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, सेम हमें पता है कि 1 मोल, क्या बोला उन्होंने, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल जो हम इक्वेशन पढ़ते थे इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 किसके इक्वल होता है, मैंने क्या बताया था, ग्राम एटॉमिक मास, पर यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता था, जब हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में लिखेंगे, तो ये मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला हुआ है। अगर इसको हम 18 ग्राम करते तो ये क्या आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये कितना है इसका, दैट इज 18 ग्राम। अब हम देखें निकालना क्या हमने, कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, कि 18 ग्राम वाटर में कितने मोल्स हैं। तो ये तो सीधा सीधा नज़र आ रहा ना कि 18 ग्राम में कितने मोल्स हैं, सीधे में नज़र आ गया 18 ग्राम में कितने मोल्स पड़े हुए हैं, 1 मोल। हम फटाफट इसका आंसर बगैर फॉर्मूला लगाए भी बता सकते हैं अगर हमें ये इक्वेशन पता होगी, ठीक है, क्लियर। अब हम एक और एग्जांपल देखें इसी तरीके से। अगर हम कहें कि भाई हमें फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कितने हो सकते हैं, 8 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मोल्स बताइए। तो हम फॉर्मूले की नहीं देखते, फॉर्मूला नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, हम सीधा देखते हैं क्या जी, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये इक्वेशन लिखनी, हर फार्मूला में आप एक ये इक्वेशन ऐसे लिखो तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 ऑक्सीजन एटम।
ये किसके इक्वल होता है, वन मोल किसके इक्वल होता है, उसके ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल, या ग्राम अटोमिक मास, यहाँ पे एटम लेके तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्राम अटोमिक मास आएगा। तो अटोमिक मास कितना होता है इसका ऑक्सीजन का, दैट इज 16। अगर हम ग्राम लगा देंगे तो क्या आएगा, ग्राम मोलिकुलर, सॉरी ग्राम अटोमिक मास। ठीक है, यहाँ पे हम एटम ले रहे हैं तभी हम लेंगे ग्राम अटोमिक मास। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मॉलिक्यूल होता तो यहाँ पे लेते ग्राम मोलिकुलर मास। क्लियर हो गया। अब ये क्या कहती है, इक्वेशन क्या कह रही है, ये क्या कहती है कि 16 ग्राम इज इक्वल टू वन मोल, 16 ग्राम इज इक्वल टू वन ग्राम, वन मोल, वन किसके इक्वल होगा, वन बाय 16, और कितने ग्राम है, 8 ग्राम, तो क्या आ गया, 16 इंटू 8 कितना आ गया, 1/2 कितना आ गया, 0.5 मोल्स आ गया। इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन है पर हमने सिंपल शॉर्टकट मेथड से इसे निकाली, अगर हमें ये इक्वेशन अच्छे से पता होगी। ठीक है जी, क्लियर है, समझ गए। न्यूमेरिकल लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालिए 1 ग्राम ऑक्सीजन में, 1 ग्राम ऑक्सीजन में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। अब हमें फार्मूला तो पता नहीं है, अगर फार्मूला नहीं पता तो हमें इक्वेशन तो पता है, क्या होती है इक्वेशन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²³ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू कितना होता है, 16 ग्राम। तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने एटम्स आ रहे हैं, 1 मोल में कितने एटम्स आ रहे हैं, 16। अगर हम बात करें तो हम ये यहां पे क्या करेंगे, 16 ग्राम में कितने एटम्स आते हैं, 16 ग्राम में कितने आते हैं, 6.022 × 10⁻²³। ठीक है, तो 1 में कितने होंगे, 6.022 × 10⁻²³/16। ठीक है, तो ये क्या आ गए हमारे नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे कैलकुलेट हम कर पाएंगे। क्लियर, कैलकुलेट द मास, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हालांकि इसके फार्मूला सीधे सीधे फार्मूलाज हैं, पर अगर हम एक ही फार्मूला याद रखेंगे, एक ही इक्वेशन याद रखेंगे तो हमारे लिए न्यूमेरिकल्स निकालना बहुत आसान हो जाएंगे। चलो अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पहले हम देखें 1 मोल होता क्या है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट किसके इक्वल है, किसके इक्वल है जी, 6.022 × 10⁻²³। और अब यहाँ पे क्या आएगा, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो कितना निकालिए इसका, कितना आता है, अगर नहीं पता तो आप ये इसकी वीडियो देख सकते हैं। इसका कितना हो गया, कैल्शियम का कितना होता है 20 अटोमिक नंबर पर, इसका मॉलिक्यूल अटोमिक मास कितना हो गया 40, कार्बन का 12 + 48 100। तो किसका कितना हो गया, 100 ग्राम। तो कहने का मतलब क्या है, 1 मोल इज इक्वल टू 100 ग्राम, तो 0.1 कितना हो गया, 100 × 0.1, दैट इज 10 ग्राम। तो 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना आ गया, 10 ग्राम। इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में हमने क्या क्या निकाला, मास भी निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल दिए, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही हमने यूज़ किया क्वेश्चन, और उससे ही हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स निकालने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम आपके 80-90% न्यूमेरिकल्स आप इसी क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। एक और देख लेते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C14 आइसोटोप ले लिए कार्बन का, तो ये भी मास निकालना है, एक एटम किसका, C14 का, कार्बन 14 का जो आइसोटोप है। तो ये भी वैसे ही 1 मोल किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ कार्बन C14 किसके इक्वल होगा, 6.022 × 10⁻²³ इज इक्वल टू कितना आ गया, क्योंकि 14 है यहाँ का, और यहाँ पे क्या आ गया, 14 ग्राम। ठीक है, तो निकालना क्या इसका,
मास, क्या निकालना है इसका, मास। तो क्या है मास ऑफ वन एटम, ये कितने एटम्स है हमारे पास, एक मोल में कितने एटम्स है, एक मोल में कितने एटम्स हुए, 6.022 × 10⁻²⁰ इज इक्वल टू 14 ग्राम। तो अगर हम देखें तो फिर क्या कहते हैं जी, 6.022 × 10⁻²³ एटम्स का वे मास कितना है, 14 ग्राम। इसका कितना आया, 14 ग्राम। तो निकालना किसके कितने का, एक का, तो एक का कितना हो गया 14 upon 6.022 × 10⁻²³। ये आपका, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, क्लियर। कैलकुलेट द मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6। अब फॉर्मूला नहीं लगाना हमने, हमने सिंपल वही इक्वेशन यूज़ करेंगे। वन मोल इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट, वन मोल इज इक्वल, वन मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कितने जी, 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू उसका कितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, मॉलिक्यूलर मास निकालिए इसका, 12 × 6 + 12 × 6 × 12 × 1 + 16 × 6 96 + 12 + 72 180। तो ये कितना आया हमारा, 180 क्या आया, ग्राम आया। ये देखिए पहले ये इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी होनी चाहिए पहले। तो हुआ क्या, 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स का वेट कितना है, दैट इज मास कितना है, 180। एक का कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, 180 upon 6.022 × 10⁻²³। कितने का निकालना है, कितने का पूछा मास, 100 मॉलिक्यूल्स। तो फिर क्या हो गया, 100 का कितना आ गया, 180 upon 6.022 × 10⁻²³ मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं, किसमें, वाटर ड्रॉप है जिसका वेट कितना कितना दिया गया है, 0.06 ग्राम। ठीक है, एक ड्रॉप हमारी 0.06 ग्राम की, उसमें बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो सेम वैसे ही, वन मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितने होते हैं जी, 6.022 × 10⁻²³ वाटर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, 18 ग्राम। अगर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में लिखें तो क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो फिर लिख दो वैसे ही इक्वेशन, वैसे ये इक्वेशन हमें पता है 18 ग्राम किसके इक्वल है, 6.022 × 10⁻²। ये इसको ऐसे करें, वन मोल के इक्वल, 18 ग्राम किसके इक्वल है, वन मोल के इक्वल। ठीक है, तो वन ग्राम किसके इक्वल होगा, 1/18 के। पर कितने ग्राम ड्रॉप की पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स कितने ग्राम ड्रॉप है, 0.06। तो 0.06 की कितनी वैल्यू आएगी, 1/18 × 0.06। इसे सॉल्व कर दीजिए, 1/18 × 6/100 कितना आ गया, 1/3 × 100। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, क्लियर। अब हम निकालेंगे, वैसे अगर इसकी वैल्यू भी देखी जाए तो आती है 0.003 मोल्स आ जाएगी। चलो अगर हम दोबारा निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ मोल्स था, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी वैसे निकालते हैं, सेम इक्वेशन सेम रहेगी जैसे नंबर ऑफ मोल्स मिली है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कैसे है, 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 × 10⁻²³। 1 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 × 10⁻²³ / 18। पर ड्रॉप का वेट कितना है, 0.06 ग्राम। तो कितना आ गया, 6.022 × 10⁻²³ / 18
इंटू 0.06, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 6.022 इंटू 10^23 अपॉन 18, यहाँ पे 6/100 लगा दो, 6 3 ज़ा, तो ये कट के कितना आ गया, 2.007 इंटू, ये दो ऊपर चले गए, 10^21, इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए। 0.06 ग्राम की जो वाटर ड्रॉप थी हमारी, उसमें नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स थे वो कितने थे, 2.007 × 10^21, ठीक है जी, क्लियर हो गया। सपोज हमें गैशियस पार्टिकल्स दिए गए हो, गैस दी हो, तो फिर कैसे निकालते हैं उसका एक फार्मूला नोट कर लीजिए। वन मोल, वही इक्वेशन नोट करिए, वन मोल इज इक्वल टू वन मोल ऑफ गैस, दैट इज 6.022 × 10^23 गैस पार्टिकल्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर एट एंड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी गैस हो अगर वो एनटीपी पे है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे कोई भी गैस हो, उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.022 × 10^23 पर वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगी, दैट इज 22.4 लीटर। ये चीज़ एक सेम इक्वेशन हम जो जैसे वो पहले की थी, यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखते थे या ग्राम एटॉमिक मास लिखते थे, यहाँ पे क्या आएगा, जो जितना उन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, ठीक है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, दोबारा एक ये न्यूमेरिकल देखते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन में। तो सेम वैसे इक्वेशन लगाओ, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 6.022 × 10^23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना होता है जी, 22.4 लीटर। ये हमने यहाँ पे अभी इक्वेशन में देखा था, ठीक है। तो क्या हुआ, 22.4 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 6.022 × 10^23 इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। एक में कितने आएंगे, एक लीटर में 6.022 × 10^23 / 22.4, पर 11.2 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो क्या करेंगे, इलेवन पाई टू के साथ मल्टीप्लाई, तो ये काट दें, यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो आंसर क्या आएगा, 6.022 × 10^23 / 2, तो क्या आया जी हमारा आंसर, 2301 × 10^23। ये हमारा आंसर आ गया कि 11.2 लीटर में 3.01 × 10^23 मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, ठीक है जी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। ये थोड़ा सा टिपिकल है, पर पहले हम इसके क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे, मोल्स के बाद फिर आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाद में से लास्ट में निकालेंगे, पर पहले हम निकालते हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। सेम इक्वेशन वैसे ही, वन मोल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है जी इसका, 12 और 16 ग्राम। अब ये क्या आ गया, एक मोल मीथेन मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल, और उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, दैट इज 16 ग्राम। तो 16 ग्राम इज इक्वल टू वन मोल, 16 ग्राम इज इक्वल टू वन मोल, वन इज इक्वल टू वन ग्राम इज इक्वल टू 1/16, और पूछा किसका है, 1.6 का, तो 1.6 ग्राम इज इक्वल टू 1.16 × 1.6, दैट इज 10 कट गया, आ गया 0.1 मोल। ये हमारे क्या आ गए, 0.1 मोल आ गए, क्लियर है जी। मतलब कहने का कि 1.6 ग्राम में कितने मोल्स हैं, 0.1 मोल्स। ये हमारा एक पहला स्टेप आ गया। अब एक और चीज़ देखें, वन मोल इज इक्वल टू कितने होते हैं, 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स, पर यहाँ पे कितने दिए, कितने निकाले हमने 1.6 में, 0.1 मोल्स,
तो 0.1 कितना हो गया, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 इंटू 0.1, ये कितना आ गया 6.022 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब 0.1 में कितने आ गए हमारे पास मॉलिक्यूल, 6.022 इंटू 10^22। यहां तक क्लियर हो गया। अब वन मॉलिक्यूल मीथेन का जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मीथेन है, कार्बन के पास कितने होते हैं 6, 6 उसका एटॉमिक नंबर और 6 ही उसके इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन कितने हैं 4, हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, 4 हैं तो कितने हो गए टोटल 4 हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्लियर है। एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, अगर एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6.022 इंटू 10^22 के पास कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 10 के साथ, तो कितना आ गया 6.022 इंटू 10 कितने आ गए 10^23, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे क्या निकल गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हुआ क्या था कि हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने हैं, तो क्या किया पहले हमने क्या निकाला मोल्स निकाल लिए, मोल्स कैसे निकाली वही इक्वेशन के साथ, वो कितने आए 1.6 ग्राम में कितने आए थे 0.1 मोल्स, 1.6 ग्राम में कितने आ गए 0.1 मोल आ गए, और 1 मोल किसके इक्वल होता है 6.022 10^23 मॉलिक्यूल्स, और 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मोल में तो इतने हैं 0.1 में कितने होंगे मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो इतने मॉलिक्यूल्स हमारे आगे किस में आगे 1.6 ग्राम में या 0.1 मोल में इतने मॉलिक्यूल आगे। अब हमारा अगला स्टेप क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, पर नंबर ऑफ एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मीथेन के, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन 6, हाइड्रोजन के पास हर एक के पास एक एक, और टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स पर हमारे कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं 6.022 10^22 मॉलिक्यूल्स, इसमें कितने होंगे मल्टीप्लाई बाय 10, तो टोटल हमारे कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.022 10^23 इलेक्ट्रॉन्स, किसमें 1.6 ग्राम में या 0.1 मोल में, ठीक है जी। होप कि आपको ये न्यूमेरिकल का पोर्शन अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि हमने ये सारे के सारे न्यूमेरिकल जो कोशिश की है वो क्या की है विदाउट फार्मूलाज अप्लाई किए, हमने ये न्यूमेरिकल्स निकाले सिर्फ एक ही इक्वेशन को यूज़ करके, ठीक है। होप कि आपको ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे, तो प्लीज़ इस चैनल आपका गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हम दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।